हेलो फ्रेंड्स, आई अमिताभ राजपूत, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग DSSSB TGT मैथ्स 2014 पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैं दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 121 के आगे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से बात करेंगे। तो देखिए, मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक रेड कलर का बटन बना हुआ है, जिसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बेल का आइकन आएगा, अगर आप उसको दबा लेते हैं तो मेरे वीडियोज़ के अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो देखिए, मैं अपना लेक्चर शुरू करूँ उससे पहले मैं एक सुधार करना चाहता हूँ। लेक्चर नंबर 1 में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 107, उसमें क्वेश्चन ये था कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज व्हाट। तो वो क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग में मैंने डाल के उसको छोड़ दिया था। आज उसको करेक्ट कर लेते हैं, उसका प्रॉपर जवाब ढूंढ लेते हैं। देखिए, दो इरेशनल नंबर दिए जाएं, जैसे मैं एक इरेशनल नंबर ले लेता हूँ 2 - √3 और एक इरेशनल नंबर ले लेता हूँ 5 + √3, ठीक है। तो अगर इसका हम सम निकालें तो देखिए +√3 और -√3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 2 + 5 कितना आ जाएगा 7। तो 7 ये रेशनल नंबर नहीं है लेकिन रियल नंबर जरूर है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं लूँ, जैसे √2 और √3 दो इरेशनल नंबर लिया, इनको ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर मिलेगा। तो अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो कभी जवाब रेशनल आता है और कभी जवाब क्या आता है, इरेशनल आता है, लेकिन जो भी आया है तो रियल नंबर। तो इसलिए हम इसको, इसका जवाब हम लोग इरेशनल या रेशनल ना लगा के इसका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। तो इसको आप सुधार कर लेंगे। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसके दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इरेशनल भी मिल रहा है, रियल मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी रेशनल होगा, कभी कभी इरेशनल होगा, लेकिन दोनों ही एक चीज़ तो श्योर है कि वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लेंगे। आइए उसके उसके आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 121। क्वेश्चन नंबर 121 इज दिस, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 252 इज व्हाट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स आपको निकालने हो तो सबसे पहले उस नंबर को का प्राइम फैक्टर्स लिख लेना चाहिए। कैसे लिखेंगे, आई प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 252 का। तो मैं अगर डिवाइड करूँ तो 2 1 2 2 2 4 2 6 और ये आ जाएगा 2 6 3 और ये आ जाएगा 3 2 1 21 और कितना आ जाएगा 3 7 और कितना आ जाएगा 7 1। देखिए, 252 को का प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूँ तो याद आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 2² × 3² × 7। अब देखिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स अगर निकालने हैं तो जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं सभी को +1 + 1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करें, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात करें तो ये हो जाएगा, देखिए इसका पावर कितना है 2 2 + 1, इसका पावर कितना है 2 2 + 1, इसका पावर कितना 1 1 + 1, कितना हो गया 3 × 3 × 2, तो 3 3 9 9 2 कितना होगा 18। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है कि प्राइम नंबर्स, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसके जो भी पावर्स हैं उसको +1 + 1 करके हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स हमको मिल जाते हैं, ठीक है। आई एम नो, नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, कह रहा है इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a² - b² इज अ प्राइम नंबर देन a² - b² इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन a - b, सेकंड ऑप्शन a + b, थर्ड ऑप्शन ab एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1। तो देखिए, कह रहा है कि a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स और a² - b² इज प्राइम। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग a को 4 ले लेते हैं और b को 3 ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इसका अगर स्क्वायर करें तो 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 - 9 7, 7 क्या है, प्राइम है, ठीक है, 7 इज प्राइम। तो अब देखिए, अगर पूछा कि तो बताइए a² - b² इज इक्वल टू क्या होगा, तो a² - b² कितना आया, 7 आया, और 7 किसकी वैल्यू होती है, a + b की वैल्यू होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीजर मॉडुलो का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 150x इज कॉन्ग्रुएंट टू 35 modulo 31। देखिए, आप में से कुछ दोस्त जो है इस सब चीज़ों को, इसको शायद नहीं अच्छे से आपको जानकारी होगी इस चीज़ की, तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखिए, इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर, मैंने लिख दिया कि सपोज 7 7 इज इक्वल टू
7 is congruent to 2 modulo 5. 7 is congruent to 2 modulo 5. इसका मतलब ये होता है कि जब 7 को डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया गया, 5 से, तो रिमाइंडर कितना आया 2. रिमाइंडर कितना आया 2. तो यहां पर रिमाइंडर लिखा जाता है. इस नंबर से इसको डिवाइड करना जो रिमाइंडर बचता है उसको यहां पे लिखा जाता है. तो सबसे पहली बात कि यहां का जो नंबर होगा वो इससे बड़ा नहीं होगा. अगर बड़ा होगा तो उसको डिवाइड करके छोटा कर लेंगे. इस क्वेश्चन में देखिए यही बात है. इस क्वेश्चन में यहां पे देखिए 31 से डिवाइड करना और रिमाइंडर कितना दिया 35. तो सबसे पहले 35 को 31 से डिवाइड कर लेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4. इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 150x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 31. हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है. मतलब हमें यहां पे ऐसा x रखना है कि 150 में मल्टीप्लाई करें और उसको 31 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 4. देखिए अगर मैं x इज इक्वल टू 24 रखूं अगर तो कितना होगा 150 इनटू 24 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कितना होगा 0 और 3600 आएगा. और 3600 को अगर हम लोग 31 से डिवाइड करें तो कितना होगा 31 कितना बचेगा 5 50 फिर से 31 कितना आ जाएगा 90 फिर कितने टाइम्स 6 टाइम्स कितना हो गया 180 तो रिमाइंडर कितना आ गया 4. तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा. x की वैल्यू कितनी आएगी 24. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 124. tan इफ tan थीटा इज इक्वल टू -3/4 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट. फर्स्ट ऑप्शन 2/5 सेकंड ऑप्शन 2/3 थर्ड ऑप्शन 3/5 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4/5. देखिए इसमें क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है कि सबसे पहले मैं एक फार्मूला लगाता हूं. देखिए यहां पे tan थीटा दिया हुआ है. tan थीटा इज इक्वल टू -3/4 तो यहां से हम लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू -4/3. cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है. और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक आइडेंटिटी होती है क्लास 10th में पढ़ाई जाती है 1 + cot square थीटा इज इक्वल टू cosec square थीटा. तो यहां पे 1 + cot square थीटा का मतलब 16/9 इज इक्वल टू cosec square थीटा. तो cosec square थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 9 + 16 25/9. तो cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cosec थीटा की वैल्यू आ गई cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट +5/3. और sin थीटा cosec थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है. sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई +3/5. अब देखिए इसमें एक और चीज है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है, पॉजिटिव होता है. इसमें माइनस साइन को हम छोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 और इस तरीके से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ one root of the equation tan x is equal to x is what. tan x is equal to x का एक रूट क्या होगा, बहुत आसान है. इसको हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे. x is equal to 0 लग देते हैं. tan 0 कितना होता है 0. 0 is equal to 0 तो ये सैटिस्फाई करेगा. ये तो ये रूट तो होगा, बाकी कोई इसके और रूट नहीं होंगे. पाई बाय 2 रखें तो पाई बाय 2 पर tan 90 कितना होता है इंफिनिटी, ये हो गया पाई बाय 2, ये बराबर नहीं आएगा. दूसरा x is equal to पाई रख दे tan पाई कितना होता है 0, इधर आ गया पाई, ये भी बराबर नहीं आएगा. नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता है. पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन x = 0 इसका एक रूट होगा, ठीक है. आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से लिया गया है. तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर बनाना पड़ेगा. कह रहा है पर्सन एट द टॉप ऑफ ए हिल ऑब्जर्व्स दैट द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स on a road leading to the foot of hill were 30 degree and 60 degree. The height of the hill is what? देखिए एक hill है, ये hill हो गया. कह रहा है कि ये इसका foot हो गया, hill का foot. ये road है suppose. तो इस पर 2 किलोमीटर के पत्थर लगे हुए हैं. किलोमीटर के पत्थर एक एक किलोमीटर लगे हुए हैं. एक पत्थर यहाँ लगा हुआ, एक पत्थर यहाँ लगा हुआ. जब यहाँ से इसको देखा गया तो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन जो पाए गए वो किसने पाए गए, 30 डिग्री और 60 डिग्री. तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है यहाँ पे. तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये हमारा कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, दिस इज 60 डिग्री और ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है. तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल. तो हाइट ऑफ द हिल सपोज हमें कितना कह दिया, सपोज दिस इज एच, ठीक है. इसका नाम लिख दिया कि ए बी हिल है हमारा और सी और डी क्या है, किलोमीटर स्टोन है. मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है, ठीक है. अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर मैं tan 60 लगाऊं तो tan 60 का फार्मूला हो जाएगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस, बेस हमारा कितना बीसी और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3
इज इक्वल टू एच अपॉन बी सी, तो यहां से हमारा बी सी हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू एच बाई रूट थ्री, बी सी इज इक्वल टू एच बाई रूट थ्री, पहली बात। दूसरे ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं टैन थर्टी लगाऊं तो टैन थर्टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच, और बेस हमारा कितना हो जाएगा बी सी प्लस वन, बेस हमारा हो जाएगा बी सी प्लस वन, और टैन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू एच बाई बी सी, बी सी कितना है एच बाई रूट थ्री और प्लस वन। इसको सॉल्व कर दे अगर तो कितना मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज दैट मुझे मिलेगा दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एच बाई रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू वॉट एच रूट थ्री, एच रूट थ्री एलसीएम लिया रूट थ्री तो कितना होगा एच प्लस रूट थ्री, और डिवाइडेड बाई रूट थ्री, रूट थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर दिया कितना होगा थ्री एच, थ्री एच माइनस एच कितना होगा टू एच, टू एच इज इक्वल टू वॉट रूट थ्री, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई रूट थ्री बाई टू, तो हिल की हाइट जो आ गई आगे रूट थ्री बाई टू। इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 127, कह रहा है सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू बी सी डी एंड सी इज इक्वल टू ए डी सी देन ए माइनस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू व्हाट, ये ऑप्शंस को दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले मैं ए माइनस बी निकालता हूँ, ठीक है, तो देखिए ए माइनस बी निकालने का तरीका क्या है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल देना है, तो देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट बी के हैं, देखिए बी है इसको निकाल देते हैं, सी है इसको निकाल देते हैं, क्या बचा ए बचा, ठीक है, ए के उस एलिमेंट्स को लिखना है जो बी को निकालने के बाद ए में से बी को निकाल देना जो बचा उसको लिख देना, ये हो गया ए माइनस बी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये हो गया कि बी और सी में जो कॉमन चीजें हैं उसको लिखना है, बी और सी में देखिए कॉमन क्या है, बी और सी बी यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, सी यहाँ है यहाँ भी है, डी यहाँ है यहाँ भी है, तो सी और डी दो चीजें कॉमन है इसमें, सी और डी। अब इन दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, ए माइनस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको, देखिए जैसे क्या लिखना है मुझे ए सी लिखना है और ए डी लिखना है, ए सी और ए डी, एक बार ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ लिया तो ए सी आ गया, ए का क्रॉस प्रोडक्ट डी के साथ लिया कितना गया ए डी आ गया, हमारा आंसर होगा ए सी ए डी, तो ए सी ए डी के साथ हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स देन यफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन बाई मॉड एक्स, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स एंड यफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए यफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ मॉड एक्स, तो मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ये फंक्शन है। इसकी खास बात यह है ना, जैसे मॉड में अगर वन लिखा हो इसका आंसर वन आता है, और मॉड में माइनस वन लिखा हो तो भी इसका आंसर वन आता है, ठीक है। तो देखिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन वन वन हो और वन टू हो। वन वन का मतलब मैं समझा देता हूं कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा, इस सेट में कुछ एलिमेंट होगा, इस सेट में एलिमेंट होगा, इस सेट में कौन से एलिमेंट है रियल नंबर्स है, यहाँ पे कोडोमेन में कौन से एलिमेंट है रियल नंबर्स है। मान लीजिए इसके कुछ एलिमेंट्स को मैं लिखूं, जैसे मैं लिखता हूँ वन टू है वन टू, मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस टू माइनस वन वन टू, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, यहाँ भी माइनस टू माइनस वन वन टू बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, ये आर है ये आर है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर फंक्शन है। देखिए अगर मैं माइनस टू की इमेज निकालूं, माइनस टू की इमेज का मतलब मॉड ऑफ माइनस टू, मॉड ऑफ माइनस टू कितना आता है टू आता है, और अगर टू की इमेज निकालूं तो मॉड ऑफ टू वो भी कितना आता है टू आता है, ठीक है। माइनस वन की इमेज निकालो, मॉड ऑफ माइनस वन कितना आता है वन आता है, और वन का भी इमेज भी क्या आता है वन आता है। देखिए यहाँ का दो एलिमेंट माइनस टू भी टू से जुड़ा है और टू भी टू से जुड़ा है, तो ये कैसा होगा मेनी वन, इसको मेनी वन नहीं होना चाहिए, अगर आप फंक्शन इनका इनवर्स एग्जिस्ट करना है फंक्शन को वन वन होना चाहिए, मतलब यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ के देखिए यहाँ का दो एलिमेंट एक से जुड़ा है तो ये फंक्शन कैसा होगा मेनी वन हो गया, और अगर कोई फंक्शन मेनी वन हो जाता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए यफ इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, कह रहा है कि द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो इज व्हाट, माइनस सिक्स माइनस नाइन सिक्स और माइनस थ्री। तो बहुत आसान है, इसको तो हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करूँ, देखिए माइनस थ्री का क्यूब कितना होता है माइनस ट्वेंटी सेवन, और माइनस थ्री रखो कितना हो जाएगा प्लस एटीन, और प्लस कितना नाइन, एटीन और नाइन कितना होता है ट्वेंटी सेवन, और ये कितना माइनस ट्वेंटी सेवन,
तो माइनस 27 प्लस 27 जीरो इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर दिया, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 इसका क्या है, एक रूट है। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। पूछा जा रहा है कि अगर 5 को 834 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन है 5013। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए 5 को बार बार आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 को एक बार मल्टीप्लाई करें 5 आता है, 5 को दो बार मल्टीप्लाई करें 25 आता है, 5 को तीन बार मल्टीप्लाई किया जाए 125 आता है, 5 को चार बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 625 आता है। हर बार यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 5 ही आता है, चाहे इसके जितने पावर आप कर लो, 5 के पावर चाहे जितना कर लो, हर बार यूनिट प्लेस पे कितना आता है, 5 आता है। तो 5 का जब 834 पावर किया जाएगा तो भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। होप सो आपको जो मजा आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।